नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस स्टड हेलमेट का जो थर्ड जनरेशन निंजा हेलमेट है, इसको कैसे डिसअसेंबल करना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे वाइजर चेंज करना है, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। जो बहुत बेकार बदबू आने लगती है आफ्टर सेवरल यूज़ विदाउट क्लीनिंग, वो हम आज कैसे इसे डिसअसेंबल करेंगे और कैसे क्लीन करेंगे। सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर खोल लेके ये हम साइड के वाइजर असेंबली को खोल लेंगे। ये एक स्क्रू है जो कि निकला है, और इसके नीचे एक वॉशर रहता है, ये स्क्रू है। ये वॉशर जो गिर गया है, इसके अदर साइड में वॉशर रहता है, ग्रूव में फंसा हुआ, ये इसमें स्टक रहता है, इसमें फंसा हुआ रहता है नीचे से। तो ये ध्यान से जब भी खोलें तो थोड़ा ध्यान रखें, और ये स्प्रिंग जो ये निकलनी नहीं चाहिए, ऐसे निकलने हो देना। ऐसे ही सेम दूसरी साइड का भी हम खोल लेंगे, और ये धीरे से वाइजर असेंबली हम अलग कर लेंगे। ये हमारी वाइजर असेंबली पूरी अलग हो गई है। अब जो ये स्प्रिंग असेंबली है, जिसमें स्प्रिंग होल्ड करती है, इसमें बहुत सारी धूल जमा हो गई, क्योंकि इसमें ग्रीस लगा रहता है, धूल इसमें चिपक जाती है। तो ये भी हम निकाल लेंगे, अदर साइड का भी निकाल लेंगे। अब हमारा हेलमेट टोटली नेकेड हो गया है, अब हम इसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। चलो उससे पहले देखते हैं वाइजर चेंज करना है तो कैसे। अगर सिर्फ वाइजर चेंज करना है तो आपको पूरा ही असेंबली निकालने की ज़रूरत नहीं है। हेलमेट में ही इस तरीके से लॉक को नीचे स्लाइड करके इस साइड से वाइजर निकाल सकते हैं, दूसरी साइड से भी सेम। ये जो लॉक है, ये अब वाइजर निकल गया है, वाइजर कभी आपका टूट गया है या रिप्लेस करना है तो आप आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी ये जो है असेंबली, ये देखिए कितनी गंदी है, अंदर से धूल हो गई है पूरी, ये आप पूरा क्लीन कर सकते हैं। ये पूरा डिसअसेंबल हो चुका है हमारा हेलमेट। अब क्लीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसको हम गीला कर लेंगे, हेलमेट को अंदर और बाहर दोनों से। स्पंज एक बार पानी सोख लेगी, तो उसके बाद हम इसमें सोप अप्लाई करेंगे, और इसे अच्छे से रगड़ कर धोना है। और ये देखिए पानी इसका, और ये तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहें जब तक इससे क्लीन पानी गिरना स्टार्ट ना हो जाए। मेक श्योर साबुन का कोई रेसिड्यू रहना नहीं चाहिए, कोई भी सोप रेसिड्यू नहीं रहना चाहिए, साबुन बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। अब हमारा हेलमेट क्लीन हो गया है, लगभग मुझे 10 से 15 मिनट लगे इसको क्लीन करने में, और ये मैंने असेंबल भी कर लिया। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।